ठीक है, फोल्डर में आके शुरू करते हैं, उसके बाद जो है स्टार्ट। डैश थ्री कंट्रोल शिफ्ट टेन S-T-R-I-T, S-T-R-I-T, माइनस इंडेक्स डॉट HTML। सर कोई मसले आ रहे हैं? सर ये तुमने बनाई, नीचे करो, स्क्रॉल करो। अच्छा यही तो बहुत है, सही नहीं, मसले भी है बहुत है। कंट्रोल है, लेकिन जो दिख रहा है वो अच्छा है। सही खराब हो रहा था। है, कोई मसला नहीं। वो तो अभी तो, अभी तो शुरुआत हुई है ना। नहीं, ये खुद करना है, ये खुद करना है। अरे फोकस करो, फोकस ठीक है, ठीक चलो ठीक है। हम जो है कंसंट्रेट करो, सारे जावास्क्रिप्ट पढ़ने लगे हैं, ठीक है। और उसकी जो बुक है वो ये है, इस बुक से पढ़ेंगे। सही है, यूएस में ये पढ़ाई जाती है, अच्छा यूएस में ये पढ़ाई जाती है, ठीक है। जिन सर ने ये इंट्रोड्यूस करी है ना पाकिस्तान में, वो यूएस से पढ़कर आए हैं। जिया खान को अगर कोई जानता हो, जिया उल हक को नहीं, जिया खान की बात है, ठीक है। कुछ और ही खुल्ला फिलहाल। अच्छा ठीक है। अच्छा तो जावास्क्रिप्ट जो है, पहले थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। राइट नाउ जो है वर्ल्ड में टॉप रेटेड नंबर 2 पे आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, हाईएस्ट पेड नंबर 2 पे पाइथन। क्योंकि जितने भी एआई वाले वर्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले वर्क हैं, वो पाइथन पे किए जाते हैं। जैसे कि सेंसर होते हैं, सेंसर वर्क जो होता है, हाथ आएगा तो पानी आएगा, ये वाले सारे वर्क, सेंसर वाले जितने वर्क होते हैं वो पाइथन से, उसके प्रोग्राम पाइथन पे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्ल्ड में अभी टॉप रेटेड है, हाईएस्ट पेड, वो ये है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। उसके रीजंस हैं, उसके रीजंस सबसे पहले ये है कि सपोज करो आप में से कोई बंदा सिर्फ वेब डेवलपर बनना जा रहा है। वेब डेवलपर मतलब ये कि सिर्फ वेबसाइट डेवलप करना उसका काम है। जैसे कि डिजिटल बेस को अगर हम दोबारा खोल लें, ये एक वेबसाइट है, वेब डेवलपर का काम होगा कि भाई हाँ सही है, जो भी वेबसाइट का काम मेरे पास आएगा वो मैं करके दे दूँ। ओके, एक हो गया वेब डेवलपर, ठीक है। फिर आता है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर में 2 कैटेगरीज होती हैं। कितनी कैटेगरीज? एंड्रॉयड और आईओएस। उनमें आता है एक एंड्रॉयड डेवलपर और एक होता है आईओएस डेवलपर। 3 टाइटल्स हो गए, वेब डेवलपर, एंड्रॉयड डेवलपर और आईओएस डेवलपर, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है बैकएंड डेवलपर। ये जो आपको डेटा यहाँ पे दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, और इसके अलावा ये जो दिख रहा है, ये यकीनन कहीं ना कहीं किसी क्लाउड पे, किसी दूसरी जगह पे रखा हुआ होगा, वहां से उठकर आ रहा है। अगर मैंने जैसे आपको बताया था, अगर अपना नाम मैं लिख रहा हूँ, तो ये जो डेटा उठकर आ रहा है ना, ये अपना नेम मैंने गूगल को बताया, तो उसने अपने डेटाबेस में चेक करके ये जो इतना सारा रिस्पॉन्स उठा के भेज दिया है, जरूर कहीं पे मेरा डेटा रखा हुआ होगा, तो तभी वो उठा के भेज रहा है, ठीक है। ये हो गया बैकएंड डेवलपर, ठीक है। अब उसके बाद आता है डेटाबेस। डेटाबेस मतलब
इस बात को थोड़ा सा गौर से समझो। ये है, ये क्या है, ये मैंने अपना नेम लिखा है, मैंने ठग करके भेजा, तो जो गूगल का सर्वर है, जो गूगल का डेटाबेस है, जो सबसे पहले बात करते हैं सर्वर की, सर्वर क्या होता है, जो आपका फ्रंट एंड, फ्रंट एंड क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा है, जिससे आप HTML और CSS जो लिखते हो ना, जावास्क्रिप्ट, ये आपका फ्रंट एंड है, क्लियर है? ठीक है, आपने शहजादा मोहम्मद अहमद एक रिक्वेस्ट भेजी, कहाँ पर, डेटाबेस में, वो जो फ्रंट एंड से डेटाबेस तक रिक्वेस्ट जाएगी किसके जरिए जाएगी, सर्वर के जरिए, इट इज कॉल्ड बैक एंड। बैक एंड अलग चीज है, डेटाबेस अलग चीज है, फ्रंट एंड अलग चीज है। ठीक है, ये बताने का मकसद क्या है, ये बताने का मकसद ये है, वेब डेवलपर हो, मोबाइल एप्लीकेशन में दो कैटेगरीज आती हैं, एंड्रॉयड और iOS, तीन तीन होगा टाइटल, बैकएंड डेवलपर चार, डेटाबेस डेवलपर पांच, जिसको जावास्क्रिप्ट अच्छे से आती है वो ये पांचों काम कर सकता है। कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पांचों पे काम करना अलाउ नहीं कर रही, जावास्क्रिप्ट आपको अलाउ कर रही है, जिसकी वजह से ये सेकंड नंबर पर आ गई है, सबसे लास्ट पे थी। जी, जावास्क्रिप्ट पे काम करते हुए बंदा वेब डेवलपर बन सकता है, एंड्रॉयड iOS डेवलपर बन सकता है, बैकएंड डेवलपर बन सकता है, डेटाबेस डेवलपर बन सकता है, UI डेवलपर तो आप लोग एक किस्म के बन चुके हो, जिसको UI बनानी आती है रिस्पॉन्सिव। ठीक है, तो इस ये मोस्ट फेमस होने का जो इसका रीजन है वो ये है कि आप इस पे अपनी मर्जी का डेजिग्नेशन चूज करके उस फील्ड में जा सकते हो। ठीक है, फिर चाहे आपको फ्रंट एंड का शौक हो, डेटाबेस का शौक हो, बैकएंड का शौक हो, जिसका मर्जी शौक हो, ठीक है, आगे बढ़े, सही है। अब जावास्क्रिप्ट में आपके पास आती है कंप्यूटर साइंस, किसी ने किया हुआ बैचलर्स, किसी ने किया हुआ, नहीं आपने किया हुआ, कर रही हो। हमारे पास होती हैं दो किस्म के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सही है, और एक होती है फंक्शनल प्रोग्रामिंग। जावास्क्रिप्ट में हमारे पास दोनों प्रोग्रामिंग है, फंक्शनल भी है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, हम दोनों पढ़ेंगे, लेकिन मोस्ट ज्यादा यूज होने वाली फंक्शनल है, हम फोकस करेंगे फंक्शनल प्रोग्रामिंग पे। डिफरेंस ये है कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग फंक्शंस पे बेस करती है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपके ऑब्जेक्ट पे बेस करती है। अब ये फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये हम आगे देखेंगे, दोनों पढ़ेंगे, ठीक है, सही है। अच्छा, अब फंक्शंस क्या होते हैं, इधर नो, इधर देख लो भाई, इधर देख लो। वेबसाइट हाँ तो नहीं, मैंने नहीं कहा था, मैंने बोला था, हाँ सही है, खुद बनानी करवाऊंगा, कोशिश तो करो, कोशिश तो करो भाई, का बाकी सारे बैठे हुए हैं, इनके साथ कोशिश करो, मिलजुल के बैठो, मैच के बजाय तुम वेबसाइट बनाने बैठो, सारे बन जाएगी, कैसे नहीं बैठे। चलो ठीक है, इधर देखो, अभी फिलहाल अभी हम बात करते हैं कि फंक्शनैलिटी क्या होती है। ठीक जी है, जैसे कि अगर हम इस पे क्लिक कर रहे हैं, ये कुछ ओपन होकर आ रहा है, इधर देखो सारे, मैंने इस पे क्लिक करा, कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म हुआ, आपके पास एक न्यू विंडो शो हो रही है, जो जिसे स्क्रॉल करने में भी कुछ ना कुछ हो रहा है, और मैं अगर किसी चीज पे कुछ लिखता हूँ, या मैंने कुछ भी लिख दिया, एंटर मारा, कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस, ये जो चल रही है ना, ये सारी आप जावास्क्रिप्ट से कर सकते हो। ठीक है, चलो हम जावास्क्रिप्ट की बेसिक शुरू करते हैं। जी क्या सॉरी करना सॉरी सर, आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ सर, आपने क्या बोला? है, मैंने बोला था देखो, इस आइकन पे मैंने क्लिक करा, कुछ एक्शन परफॉर्म हुआ तो ये विंडो खुली, सही है, स्क्रॉल कर रहा हूँ तब भी कुछ हो रहा है, सही है, और अगर मैं कुछ लिखता हूँ तो वो रिजल्ट ला कर दे रहा है। ये सारा काम जावास्क्रिप्ट में पॉसिबल है, क्योंकि ये आपका फंक्शनल वर्क है, ये आपका UI वर्क नहीं है। UI वर्क क्या है, ये जो UI बनी हुई है, आपने HTML CSS बूटस्ट्रैप सीख ली, आप उससे बना लोगे, लेकिन उसका फंक्शनल कैसे करोगे। ठीक है, जैसे आप चाह रहे हो आपके पास जो नेविगेशन है, किस
पेज पे आपको सिर्फ क्लिक होने पे आपको ये दिखाना है कि कोई मैसेज आ जाए कि भाई यहाँ इस वाले पेज पे अभी काम हो रहा है, तो आप यहाँ नहीं जा सकते। वो कैसे दिखाओगे? वो सारा काम फंक्शनल है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे। क्या बात है, ये आपका मतलब है कि बॉडी है रू नहीं है, रू कैसे डालोगे? हाँ सही है, हाँ स्टैचू है, स्टैचू कितना खाली है, तुम ही रू। ठीक है, इसके थोड़े से चैप्टर्स देखते हैं, चैप्टर्स कितने हैं, उसके बाद आगे जाएंगे। तो एक से लेकर सर एटी समझ सर, नाइन चैप्टर्स कोई मसले वाली बात नहीं है। लंबी तो कंप्लीट मतलब नहीं सर, कितना टाइम लगेगा? टाइम लगेगा इनको बहुत सा, इनमें से कुछ हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है और कुछ आपके अभी क्लास खत्म होगी तो कुछ ना कुछ तो कंप्लीट हो जाएंगे क्या चैप्टर, होंगे एक दो नहीं होंगे, ज्यादा हो जाएंगे, खींच ये पास्ट के रखेंगे ना। ठीक नहीं, इतना भी नहीं कर है, सबसे पहला प्रोग्राम हमारे पास है, चैप्टर है, विच इज कॉल्ड अलर्ट। ठीक है, ओके। अच्छा इस बुक की जो है ना सीक्वेंस खराब है, सीक्वेंस खराब है मतलब यानी कि चैप्टर्स की जो सीक्वेंस है वो जिस तरह होनी चाहिए थी उस तरह नहीं है, तो मैं अपनी सीक्वेंस से चलूंगा। यूएसटी हो गया, इतनी बड़ी गलती। हाँ आप देख लो सर, इनको छोड़ो, आगे ठीक बढ़ना है ठीक पड़ेगा। है, चलो हम जाते हैं इसके HTML में ऊपर कोई लिंक डाल दो, इसके डाल दो डालेंगे ना, क्यों नहीं डालेंगे, लगा रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको बोला था लास्ट क्लास में कि आपके पास सपोज करो ये H1 है, ये आपके पास एक HTML का पेज रेडी है। अब आपको अपनी जो है एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनानी है। ठीक है, तो उसका जो लिंक होगा या उसका जो टैग होगा वो उसके लिए क्या यूज होगा और आप वो कहाँ लगाओगे? ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट के लिए हम यूज करेंगे स्क्रिप्ट का टैग, सही है, जो कि कहाँ यूज होगा, आपकी बॉडी के सबसे लास्ट में, बॉडी के बाहर नहीं सबसे लास्ट में। लास्ट मतलब अगर आपके पास H1 3 भी हैं, 2 3, ठीक है, हमारे पास स्क्रिप्ट का टैग लगेगा, ये हमारे पास स्क्रिप्ट का टैग है, सबसे लास्ट में लगेगा, बाहर नहीं करना है, सही है, सबसे लास्ट में लगेगा। क्या लास्ट में वो इस वजह से HTML आपकी सबसे पहले रेंडर होती है, ठीक है, और उसके बाद आपके CSS रेंडर होती है। ठीक है, ये जो स्क्रिप्ट का टैग है ना, हम इसके बजाय हम ये यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी वर्क करेगा, लेकिन यहाँ लगाना इस वजह से नहीं है, कभी कभार उसके कुछ आपने कुछ फंक्शंस या कुछ ऐसे काम किए हुए होते हैं जो पेज लोड नहीं कर पाता, वो कब वर्क करेंगे, जब आप स्क्रिप्ट के टैग को उठा के बॉडी के लास्ट में रख दोगे। इसका ये मतलब है जब HTML और CSS और बूटस्ट्रैप कंप्लीटली लोड हो जाए उसके बाद आपकी स्क्रिप्ट लोड हो, ताकि कोई चीज बाकी ना रह जाए पीछे, मतलब फंक्शन लास्ट में परफॉर्म लास्ट में परफॉर्म होंगे। ठीक है, अच्छा इसमें आपके पास होता है सिर्फ एक एट्रीब्यूट विच इज कॉल्ड SRC। यहाँ आपको जो है अपनी फाइल का नेम बताना है जहां आपकी फाइल पड़ी हुई है। राइट नाउ हम शॉर्टकट से नहीं बना रहे, यहां से बना लेते हैं। आपने फाइल का नेम रखना है, स्क्रिप्ट रख लो, JS रख लो, जो मर्जी रख लो, लेकिन मैं रखता हूँ ऐप, स्टैंड फॉर एप्लीकेशन, app.extension.js। ये मेरे पास एक जावास्क्रिप्ट की फाइल रेडी है। ठीक, ओके, रूट डायरेक्टरी के लिए फ्लैश डॉट स्लैश, उसमें मेरे पास उन्होंने बताया कि ये तो फाइल रखी हुई है, मैंने बोला app.js को चला दो, सेव करते हैं, और इस पर अगर मैं क्लिक करूं तो ये मुझे उस पर लेकर जा रहा है। ठीक है, आपने काफी जगहों पर देखा होगा कि कर आए ना आए अभी, कि किसी बटन क्लिक करने पे कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म हो गया, कोई पॉपअप बॉक्स खुलकर आ जाता है, सही है, ऊपर से आता है, इधर से आता है, उधर से आता है, जहां से मर्जी आता है, पॉपअप बॉक्स खुलकर आ जाता है। सर, कोई वीडियो देख रहा था अचानक से फॉलो मार,
ठीक है, हाँ वही वाला पॉपअप बॉक्स। ठीक है, उसको हम जावास्क्रिप्ट में लिखेंगे अलर्ट से, अलर्ट। ठीक, अच्छा इनमें से देखो कुछ चीजें आप अपने पास या तो लिख लो या तो बहुत अच्छे से याद कर लो। ठीक है, कुछ होते हैं इसके बिल्ट इन फंक्शंस, बिल्ट इन फंक्शंस, और कुछ फंक्शंस आपको बनाने पड़ते हैं। ठीक है, अब ये अलर्ट बॉक्स क्या है? ये अलर्ट जो है ये आपका जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, अगर मैं इसको सेव करके चला के देखूं, देखते हैं क्या होता है। कुछ कॉपी पास किया, कंट्रोल टी और वी, कुछ नहीं हुआ। दिखाई नहीं अंदर। हाँ सही है, बता रहा हूं ना, सबर तो करो। ठीक है, तो बिल्ट इन फंक्शन जितने भी होंगे उसके लिए आपको जरूरी है आपने फंक्शन के लास्ट में लगाने हैं राउंड ब्रैकेट्स। ये आपने राउंड ब्रैकेट्स लगा दिए। ठीक है, जब आपकी कोई लाइन कंप्लीट होगी आपने उसके लास्ट में लगाने हैं टर्मिनेटर, विच इज दिस। ठीक है, इसका मतलब है आपकी लाइन कंप्लीट है, अब जो भी एक्शन परफॉर्म होगा वो नेक्स्ट लाइन से होगा। अच्छा हाँ ठीक है, जरूरी नहीं है लेकिन रिकमेंडेड है, नहीं लिखोगे तो वर्क करेगा। ठीक है, अच्छा इसके अंदर मैंने लिखा शिफ्ट दबाकर डबल कॉलन, डबल कॉलन लगाओ या सिंगल कॉलन लगाओ, जो भी लिखोगे इसके अंदर लिखा हुआ आएगा। मैंने सिंगल कॉलन में लिखा, डबल और सिंगल में क्या फर्क है? ओके, कोई फर्क नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं कहीं भी नहीं फर्क पड़ेगा। भी फर्क नहीं पड़ेगा। वेलकम टू जीएस। ठीक है, ये मैंने लिखा है और अब हम चलाते हैं प्लस प्लस। क्या मैंने सिर्फ एक एक सिंगल कॉलन डाला है, देख लो ना, अब जब बता रहा हूं तो मैंने लिखा है अलर्ट का फंक्शन। ठीक है, और उसके अंदर मैंने डाला है सिंगल कोटेशन और उसमें लिखा है वेलकम टू जी एस एक्सक्लेमेशन मार्क। बस डबल प्रेशर नहीं लगेगा डबल लगा लो सिंगल लगा लो कोई फर्क नहीं, वो हम दोनों बने हम दोनों करेंगे, अभी डबल से भी लगा चला के देखेंगे। सही है प्लस, सर थोड़ा जूम कर दे सही यस है, सेव किया और रिफ्रेश किया, वो मुझे बोल रहा है दपेश शेष वेलकम टू जीएस, एक पॉपअप बॉक्स आपके पास छूट कर आ गया, ये जावास्क्रिप्ट से आ रहा है। क्या हो गया तो वो इस वजह से क्योंकि अभी आपने ओके नहीं करा गया जी, ओके किया और आ गया, तो वो हम बाद में करेंगे, अभी सिर्फ पॉपअप बॉक्स क्या आ रहा है जी। सकते बिल्कुल कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी के नीचे एक और बॉक्स लगाते हैं, मैंने लिखा अलर्ट, अब इसके अंदर लिखते हैं डबल कॉलन से। सही है, जे एस फर्स्ट क्लास। ठीक है, सेव किया, सबसे पहले उसने क्या बोला, वेलकम टू जे एस, क्योंकि पहले अलर्ट में यही रखा हुआ था। ओके जे एस क्लास वन, वो गायब नहीं हुआ, क्यों हुआ? भाई वो इस वजह से गायब नहीं हुआ, जब इनिशियली पेज वेबसाइट रेंडर होगी ना तो सबसे पहले जो आपके अलर्ट होंगे वो चल जाएंगे, उनके बाद आपका कंटेंट रेंडर होगा। ठीक है, अच्छा अब आते हैं इस पर। हाँ एक ही अलर्ट में दोनों चीजें ऐड हो सकती मतलब हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा करके देख लीजिए, इसमें भी आपके पास सेम कमेंट होगा, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अलर्ट लिखा डबल कोटेशन वेलकम टू जीएस, इसको कॉपी करा और कॉमा लिखा। हाँ दो अलर्ट एक साथ नहीं आएंगे, दो अलर्ट एक साथ क्यों आएंगे, मैंने इसने बोला कि एक अलर्ट में दोनों चीजें लिख दो, ये बोला है।
तो आप स्पेस देके आगे लिख दो, ऊपर एक लाइन आ जाएगी, नीचे दूसरी लाइन आ जाएगी। नीचे दूसरी लाइन कैसे आएगी, बराबर में आएगी। हाँ बिल्कुल यूज होता है वो, अभी हम पढ़ेंगे ना। ठीक है, ये कुछ और कह रही थी वो, मैं समझ गया हूँ। अच्छा ठीक है, अब हम चलते हैं, अब हम चलते हैं जावास्क्रिप्ट में। जब नहीं नहीं वो कुछ और कह रही थी वो मैं समझ गया हूँ, वो आगे का है। तुम ये कह रहे हो कि इन दोनों को साथ चला दूं? ये ना हाँ दिया, क्यों नहीं दिया यार, ये तो रास्ते। हाँ रहे और किस तरह आएगा, ऊपर नीचे जो है वो, इसने यही बोला है, वो आगे का टॉप थोड़ा टॉपिक है, अभी हम पढ़ते हैं ना उसको, थोड़ा रुको तो सही। ठीक है, हम अलर्ट को कमिट करते हैं। आप जब भी जावास्क्रिप्ट पे काम करोगे, क्योंकि ये जो जावास्क्रिप्ट है ये आपकी सबसे पहले ब्राउजर सपोर्टेड लैंग्वेज थी, सबसे पहले ये ब्राउजर पे चलती थी, तो इसकी ब्राउजर ने इसको जो है डीबगिंग करने के लिए एक टूल प्रोवाइड किया है, आप उसको यूज करोगे हर पर। जब भी जावास्क्रिप्ट पे काम करोगे आप उस टूल्स को यूज करोगे। कहाँ है वो टूल, आते हैं। राइट लिख दिया और आपने खोला इंस्पेक्ट एलिमेंट। ठीक है हाँ, नहीं, ये जावास्क्रिप्ट का डिबगर है। कहाँ है ये जो आपका कंसोल लिखा हुआ है, ये यहाँ पर आपका जो भी जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी आप लिखो, टेस्टिंग करना चाहो, वो आपको यहाँ पर दिखेगी देखने के लिए। आप देखना चाहो तो वो अलर्ट में देख सकते हो, लेकिन रिकमेंडेड है आप यहाँ पर देखो। ठीक है, इधर कोई चीज अगर मुझे देखनी है तो वो मैं कैसे देखूंगा, उसके लिए जावास्क्रिप्ट के बिल्ट इन फीचर है, फंक्शन है, वो अभी हम लिख के देखते हैं। मैंने अलर्ट को कमिट कर दिया है और वेलकम टू जीएस को मैं कॉपी कर लेता हूँ। सही है, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, क्योंकि मैंने आपको बताया ये जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन है, ब्रैकेट लगा दिए। सही है, आप इसके अंदर क्या दोगे, सिंगल या डबल कोटेशन? ठीक है, डबल कोटेशन दे दी मैंने, टर्मिनेटर लगा लिया। हटा दिया, सही है, हटा दिया, ये सेव किया। वेलकम टू जेएस आपके पास दिख रहा है कंसोल पर, और वो आपको लाइन भी बता रहा है, app.js लाइन नंबर 4, app.js लाइन नंबर 4। दरवाजा मतलब फर्क क्या है उसमें? हां भाई आगे जाके अगर आपको कोड देखना हो तो बताइए, मैं बता रहा हूं ना, मैं बच्चे का समझ भी नहीं आता। फर्क सिर्फ ये हुआ, सपोज करो कि आप मार्कशीट बनाने का फंक्शनैलिटी लिख रहे हो कि भाई इतने नंबर हो, ऐड हो, मल्टीप्लाई हो, तो जब आपको रिजल्ट देखना होगा ना दो चार लाइनों को एक साथ, तो आप अलर्ट यूज नहीं करोगे, क्योंकि अलर्ट इतनी दफा चल जाएंगे। हाँ हाँ नहीं, ये जो इसमें जो आ सकता है वो उसमें भी आएगा, ये जो इसमें आपको जो आउटपुट दिख रहा है ना कंसोल पे, ये आपको अलर्ट में भी दिख सकता है, तो ऐसी बात नहीं है कि वहां नहीं दिखेगा। मतलब अलर्ट यूज नहीं करेंगे, अलर्ट यूज करेंगे मैसेज दिखाने के लिए बस। मैं कहना चाह रहा हूँ अलर्ट बॉक्स जो है ना वो सिर्फ तब यूज करेंगे। ठीक है, सपोज करो तुम लोगों ने एक फॉर्म बनाया है, कैप फॉर्म भरा था ना। ठीक है हाँ, आपने बोला कि जब सारी फील्ड भर जाए तो यूजर को एक मैसेज दिखा दो, फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। अब लिखो अलर्ट, उसमें मैसेज दिखा दो, फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। अब क्लियर है? अब क्लियर है? कंसोल का हाँ बता रहा हूँ मैं आपको, कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है
प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड की, तो वो आप यहां पर कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा 2 प्लस 3, नीचे 5 बता रहा है। अरे तो मैं तो पागल था, मैं कैलकुलेटर में करता था। नीचे 5 बता रहा है, मल्टीप्लाई भी बताएगा, डिवाइड भी बताएगा, हर चीज बताएगा। ठीक है, अच्छा अब हम थोड़ा सा वेरिएबल्स पढ़ लेते हैं। console.log मैंने आपको बताया ये जावास्क्रिप्ट का डिबगर टूल है, यहाँ आप अपनी जो भी फंक्शनैलिटी टेस्ट करना चाहोगे यहाँ पे कर सकते हो। करेंगे ना अभी, करेंगे ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं थोड़ा सा वेरिएबल्स पर, थोड़ा सा कंसंट्रेट करना, तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा। सही है, सही है। आपको कोई भी चीज किसी को असाइन करनी हो, मेरा नेम है उसमें मुझे कोई नेम असाइन करना है, वो कैसे करेंगे? उसके लिए हम यूज करते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, मैं, मेरे पास एक नेम है उसमें मुझे असाइन करना है अहमद, इसके लिए हम यूज करेंगे वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल्स के लिए शॉर्ट फॉर्म जो जावास्क्रिप्ट ने दी है, इसका अपना बिल्ट इन कीवर्ड है विच इज वार, WAR। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा वार, वो W वाला है, ये V वाला है, उसके दो हैं, इसका एक है। ठीक है, मैंने वार के आगे वेरिएबल का की नेम डिफाइन किया, माय नेम। ये अब गौर से समझो, ये जो वार है ये आपका वेरिएबल है, और ये जो माय नेम है ये आपका वेरिएबल का नेम है। अब इसमें आपको कोई वैल्यू असाइन करनी है, असाइन करने के लिए आप लगाओगे इज इक्वल टू। ठीक है, उसके बाद जब भी आपको इसमें कोई चीज असाइन करनी है, तो मैंने आपको बताया था डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन लगा दो, और लास्ट में टर्मिनेटर। ठीक, मैंने लिखा माय नेम इज अहमद प्लस, और बोल सही बता रहा हूँ ना, खबर तो करो, सुन तो लिया करो पहले। इस लाइन को मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, सही है। वेरिएबल्स इज अ जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल है, जो आपको कोई डेटा किसी वेरिएबल में असाइन करना हो उसके लिए यूज होता है वार। ठीक है, वार मेरे पास एक वेरिएबल का कीवर्ड है, और माय नेम वेरिएबल को मैंने एक असाइन कर रहा हूँ, माय नेम एक वेरिएबल नेम है, उसमें मुझे कुछ असाइन करना है। असाइन करने के लिए आपके पास बीच में लगेगा इज इक्वल टू, और उसके बाद सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन। डबल कोटेशन लगाओ भाई, डबल कोटेशन लगाओ या सिंगल कोटेशन लगाओ, मसला नहीं है, मसला नहीं है सर। माय नेम की जगह और भी बिल्कुल यूज कर सकते हैं, तुम्हारा नेम अगर लिख दूंगा ना तो भी चलेगा। अब चला के देखें। मैंने लिखा console.log, और अब मेरे पास, जैसे कि मैंने आपको बोला था, जब आपके पास कोई चीज डिफाइन नहीं है और आपको कंसोल पे कुछ दिखाना है, तो सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन में आप लिख दोगे, कंसोल चला देगा। ठीक है, लाइक अगर मैं इसी को पूरा कॉपी करता हूँ, सी, और यहाँ मैंने लिख दिया वी। हाँ, मैंने अभी इसको कमेंट कर दिया है, मैंने ऊपर वाली लाइन का भी कमेंट कर दिया है। सही है, रुको तो सही। हाँ, क्या कह रहे हो? जो आपने पूरी लाइन दी इसकी जगह वेरिएबल नेम दे रहे ना, पहले मैं इसको एक कंसोल का एक कॉन्सेप्ट दोबारा क्लियर कर दूं। सेव किया और चलाया, कंसोल बता रहा है माय नेम इज अहमद, क्योंकि उसमें मैंने डबल कोटेशन में बता दिया, ये आप दिखा दो। ठीक है, जब आपके पास कोई चीज डिफाइन नहीं है, तो आप सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन में कंसोल को जो भी बताओगे वो चला देगा। लेकिन अभी मेरे पास माय नेम डिफाइन है, तो मैंने console.log में लिख दिया माय नेम। अगर आपको कंसोल पे दिखाना है तो इसमें लिखना जरूरी है, आपने एक वेरिएबल में असाइन किया ना उसको। कंसोल को मैंने हटा दिया, ये वाली लाइन क्या कर रही है?
देख, दोबारा सुनो मेरी बात। जावास्क्रिप्ट में आपके पास डेटा होता है, डेटा मतलब नेम है, आपके पास कुछ फाइल्स हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आपको अगर उन चीजों को यूज करना है तो उनको किसी न किसी जगह पर रखना पड़ेगा, ठीक है? वो जो किसी न किसी जगह पर रखना पड़ेगा ना, उसको कहते हैं वेरिएबल्स, आसान लब्दों में। और ठीक वेरिएबल के नेम्स होते हैं जिसमें आप उसको असाइन करते हो। मैंने इसको ऊपर कर देता हूँ, मैंने एक है, वेरिएबल किसी चीज को आसान असाइन करने के लिए, याद करने के लिए नहीं स्टोर भाई, करने याद करने के के लिए नहीं, लिए, बिल्कुल गलत बोल रहे हो भाई। स्टोर करने के लिए, वैल्यू स्टोर करने के लिए आपके पास एक कीवर्ड है, ठीक है? मैंने इधर लिख दिया बार कार नेम। मैंने मैंने अपने मेरे पास एक कार है, मुझे उसको स्टोर करना है एक वेरिएबल नेम में। वार कार नेम आप क्या है? बताओ उसको कंसोल में क्यों डाला, कंसोल में कंफर्म करने के लिए डाला, कंसोल चेक करने के लिए कि जो मैं लिख रहा हूँ वो आ रहा है। हाँ, के अंदर कैसे करेंगे जब आप ना अलर्ट में दिखा रहे हो ना कंसोल में दिखा रहे हो, कैसे दिखाएगा? और कहाँ? नहीं, दिखाएगा स्क्रीन पे, कभी भी नहीं दिखाएगा जब तक आप उसको बोलोगे नहीं। नहीं, कैसे बोलें इसमें? ऐसे इतनी आसानी से नहीं बोला जाता। इसके लिए इसने आपको टूल बताया है ना, कंसोल डॉट लॉग, वहां जाके देख लो। हाँ, कंसोल में वेरिएबल नेम इंस्टॉल बिल्कुल करना करवाएंगे, वहां चला देगा। ठीक है, दोबारा सुनो। एक वेरिएबल वार, उसमें मैंने लिखा वेरिएबल नेम कार नेम। इधर सुनो ना, दोबारा सुनो, समझ में आ जाएगा अभी थोड़ी देर में सब कुछ। सर मेरा कॉन्सेप्ट खराब हो जाता है, इनको बोलने कहां बहुत अच्छे तरीके से हां सर सर सुन गया। थोड़ा सा सीरियस होके समझो, सीरियस होके समझो। एक वेरिएबल नेम बनाया मैंने वार, अब वेरिएबल नेम बना रहा हूं मैं कार नेम। ओके, अब इसमें मुझे डेटा या वैल्यू असाइन करनी है। असाइन करने के लिए मुझे लगाना पड़ेगा इज इक्वल टू, ठीक है? अब उसके लिए मैंने आपको बताया था डेटा जब भी रखना होगा सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन। डबल कोटेशन यूज कर ली, और मैंने इसके अंदर लिख दिया आई हैव अ बाइक। हाँ सही है ना, कोई बात नहीं, लेकर नहीं आता ना इसलिए। और लास्ट में लगा दिया टर्मिनेटर। अब क्योंकि मैंने कंसोल यूज नहीं करा है, सेव करके अगर मैं चलाता हूँ तो वो कहीं पे कुछ शो नहीं करेगा, क्योंकि मैंने उसको बताया ही नहीं दिखाना कहाँ था। अब क्लियर है? बताना बताना पड़ेगा, ठीक है? पड़ेगा बाहर कंसोल डॉट लॉग, और उसमें लिख दिया मैंने कार नेम। का टर्मिनेटर सेव किया, उसने मुझे बता दिया। ऑपरेट करने के भाई समझ आया? लिए बोलने का अरे भाई भाई जावास्क्रिप्ट में आपके पास ब्राउजर पे ये आपका डिफाइन करदा डिबगर है कि आपने जो भी जावास्क्रिप्ट का काम अगर अपने पास देखना हो ब्राउजर पे, वो आपको नहीं दिखाएगा, तो आप कंसोल पे देख सकते हो। दिखाएगा यार वो चीजें नहीं आगे हैं, वो उसके लिए बहुत कुछ लिखना पड़ेगा। अगर आपको ब्राउजर पे चीजें तो दिखानी है ना, उसके लिए बहुत। दिखेगी हाँ नहीं, तुम्हें दिखेगी हमको इनिशियली। यहाँ तो लिखना सीख जाओ, यहाँ लिखना सीख जाओगे तो आगे भी सीख जाओगे। ये बेसिक है, बहुत बेसिक है। नहीं, आगे नहीं बढ़ेंगे। आप बोलो बोलो बोलो, नहीं अलर्ट में भी लिख के देखते हैं ना। दिखेगी मैंने कंसोल डॉट लॉग में, इधर देख लो सारे, मैंने कंसोल डॉट लॉग में कार नेम लिखा और उसी के नीचे अलर्ट लगाया। अलर्ट में भी क्योंकि मेरे पास कार नेम डिफाइन है, कार नेम इसमें भी लिख दिया। अब क्या होगा? खुद ही उठाने का नाम पहले अलर्ट सर चलेगा और वो कार नेम में जो डिफाइन है वो दिखाएगा, फिर कंसोल में दिखाएगा। हाँ दोनों दोनों चला सकते हैं। अभी अभी देखो, मैंने दोनों ऑन किए हुए हैं, दोनों चला के देखते हैं। रिफ्रेश किया, उसने कंसोल भी चला दिया, अलर्ट भी चला दिया। और अगर कंसोल ना चलाए सर खाली अलर्ट चलाए तो कोई मसला नहीं, आप ऐसा कर लो।
लेकिन बताने का मकसद क्या है, अलर्ट भी आप कवर करेगा और कंसोल भी आप कवर करेगा, लेकिन अलर्ट किस मकसद के लिए, मैसेज दिखाने के लिए, ठीक है। लेकिन हाँ, कंसोल इस वजह से है जब आपको अपनी फंक्शनैलिटी टेस्ट करनी हो। अभी जैसे कि तुम्हें रैंडमली यहाँ पे कोई भी चीज चेक करनी है, मैंने कहा 10 × 2 × 2 नीचे आंसर दे रहा है, इमीडिएट कोई चीज टेस्ट करनी है तो उसके लिए आप कंसोल यूज कर लो। ये ब्राउजर का जो है बाय डिफॉल्ट आपको डिबगर प्रोवाइड किया हुआ है जावास्क्रिप्ट का, ठीक अगर ये है। यूज करना हो तो ये, अगर ये यूज ना करना हो तो तो फिर अलर्ट यूज करो। तो अलर्ट, या रेड तो है वो देने के लिए, एसएमएस देने के लिए इसी वजह से मैंने बोला है कि जावास्क्रिप्ट को जब भी आपने देखना है ना, नहीं देखना ना, क्यों नहीं प्रिंट चेक देखना करने के बाद काम करना बताओ भाई, यार, ये नॉनसेंस इधर वाली बात है। इमीडिएट चेक करने के बाद, इमीडिएट चेक यस, या जावास्क्रिप्ट करने का जो भी आपको टेस्टिंग देखनी हो उसके लिए आप कंसोल डॉट लॉग यूज करोगे। अलर्ट पूरा हुआ बस आगे बढ़े आगे प्लीज भाई, इतना समझ में आया? सर, आप तीनों को आया? ऐसा आया कभी नहीं है। 10 मिनट सर अगर नीचे वीडियो में दिखेगा, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो ये 10 मिनट। मैं एक वेरिएबल नेम बना रहा हूँ वार नंबर, और उसमें कोई नंबर असाइन कर रहा हूँ, ठीक। नम इज इक्वल टू, मैंने डबल कोटेशन डाला और उसमें लिख दिया 1996। 1920 लिखते हैं ना सर, बर्थडे लिखे ना सर, ना सर समझा लो यार, कंसोल डॉट लॉग नम क्या आएगा कंसोल पे? जो ऊपर आया तो वही आएगा नीचे। क्यों अरे आएगा, वो तो बंद कर दिया ना। नहीं जो अभी लिखा है लाइन जो नंबर 15 15 पे जो लिखा हुआ है वो आएगा, ऊपर वाला नहीं आएगा, ठीक है। सेव किया, यही अरे हाँ यही आना था, आना था, ठीक तू भी डाला नहीं आएगा। है। अच्छा, थोड़ी सी नई चीज पढ़ाऊं उसको हजम करने के लिए तैयार हूं? 10 मिनट मेरा हाथ में एक बात पूछ रहा था भाई, तो मेन स्क्रीन हां करेंगे बिल्कुल उस स्क्रीन पे बहुत टाइम बाद काम करेंगे हम जी, बहुत कुछ डालना पड़ेगा। हाँ, अभी अभी जो है ना HTML और यहाँ पे काम करने को आप भूल जाओ, जरा छोड़ो इसको। छोड़ हाँ, इसको अभी छोड़ो, दे इसको, सिर्फ छोड़ इस फाइल पे काम करना है। हाँ ये तो हम कर रहे हैं सर, नंबर देखते हैं जैसा आपने लिखा 12 मल्टीप्लाई आंसर देगा नहीं बिल्कुल, ये कंप्लीट आपका कैलकुलेटर वर्क करेगा कंप्लीट। लेकिन उसके लिए अभी एक एक चीज पढ़ा रहा हूँ, वो आपको पहले से पढ़ना जरूरी है, ठीक है। कंसंट्रेट करो सारे, कर एक मैंने एक और वेरिएबल बना लेता हूं ऊपर, दे कूल नेम, दे कस्टम दे पब्लिक, और यहां पे मैंने लिख दिया स्कूल नेम। सेव किया, दोनों रन होंगे, एक रन होगा, दे एक वाला कौन है? दे दे दोनों होंगे दोनों होंगे, एक वाला तो कोई नहीं है, नहीं और पहले कौन सा होगा? सही पहले होगा, पहले ऊपर वाला होगा, ऊपर वाला फिर नीचे वाला, है, इतना क्लियर है। क्योंकि वो पहले लिखा हुआ है, होता वो उसके लिए था, इसके लिए नहीं है। है पहले आपकी को HTML CSS पर आपके JS फंक्शन यूज होंगे, इसमें तो आपको देखना है, तो फिर तो करो मैं हां मैं
चलो सुनो, कंसंट्रेट करो सारे। हाँ अच्छा ये देखो, मेरी बात गौर से सुनो दोबारा। ये मैंने स्कूल नेम में क्या लिखा हुआ है? कस्टम पब्लिक। असाइन क्या किया हुआ है स्कूल नेम में? सही है। और नम में 1996। ठीक है, आपके पास जावास्क्रिप्ट में जो डेटा है ना, ये एक किस्म का डेटा है क्या? कस्टम पब्लिक और 1996। ठीक है, ये आपके पास किसी किस्म का डेटा है? ये आपके पास मुख्तलिफ किस्म का होगा। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म का होगा, जिनके जो टाइप्स है ना, आज हम पढ़ेंगे दो, और दोनों पढ़ भी चुके हैं। स्ट्रिंग एक डेटा टाइप का नाम है स्ट्रिंग। करता एक नहीं डेटा टाइप का नाम है स्ट्रिंग, और एक नहीं नहीं वो स्ट्रिंग है, इसमें आर लगा हुआ है, इसमें आर लगा हुआ है, ये स्ट्रिंग है। और दूसरे डेटा टाइप का नाम है एक्सेल। नंबर। दूसरे डेटा टाइप का नाम है नंबर। अब सपोज करो, ये जो आपका डेटा टाइप है, ये जो आपका डेटा है स्कूल नेम, मुझे इसका टाइप पता करना है। उसके लिए आपके पास जावास्क्रिप्ट में बिल्ट इन फंक्शन है, वो आपको आपका जो भी डेटा होगा उसका डेटा टाइप पता करके बता देगा। ठीक है, हम चेक करते हैं। वार स्कूल डेटा टाइप, ये मैंने एक वेरिएबल बनाया, सही है, और इसमें अब मैं जो भी लिख रहा हूँ वो इसमें असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे स्कूल नेम का डेटा टाइप चेक करना है। ठीक है, उसके लिए आपके पास बिल्ट इन मेथड है, विच इज टाइप ऑफ, ये आपको क्या करेगा, जो भी आपका डेटा होगा उसका टाइप आपको बताएगा। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला था, अगर आपके पास बिल्ट इन फंक्शन है तो उसके लास्ट में क्या लगेंगे, राउंड ब्रैकेट्स लगा दिए, और इसमें आप बता दोगे जो भी आपका डेटा होगा। मेरा डेटा है स्कूल नेम, सही है। स्कूल डेटा टाइप को कंसोल कराते हैं, कंसोल डॉट लॉग स्कूल डेटा टाइप, इसको अभी बंद कर देते हैं, इसका भी काम नहीं हो रहा। सेव किया और आगे गए, कस्टम पब्लिक स्कूल, और नीचे दिखा रहा है स्ट्रिंग। जीमेल हाँ मैंने का आपको बताया ना कि हर टाइप आपका जो डेटा होगा उसका कोई डेटा टाइप होता है। जब भी आपके पास डेटा सिंगल या डबल कोटेशन में होगा, इट इज कॉल्ड स्ट्रिंग डेटा टाइप। जी जैसे आप बोलेंगे चेक करना पड़ेगा पे तो चेक नहीं करेंगे। हाँ ये सही बोल रहा था। हाँ, वहां पे नहीं चेक करोगे, वहां आप तो पहले से फंक्शनैलिटी तो करके पहले अंदर ये बताओ छुपा। ना जी कि हमें कौन सा डेटा इसमें स्टोर हाँ हाँ करना है, सही मतलब है, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। वो तो आगे की चीज है, बहुत आई, बता दो ये ना। इतना हजम नहीं हो रहा अभी। एक स्ट्रिंग और दूसरा कौन सा था? दूसरा भी पढ़ रहे नंबर हैं आगे। ठीक है, अच्छा स्ट्रिंग नंबर की क्या क्या स्ट्रिंग है? डेटा का टाइप नंबर है? क्या वो तो पता है, डेटा क्या होगा प्रॉपर्टीज बताता है कभी सारा। आपको प्रॉपर्टी जान नहीं क्या करना है ऐसी कभी तुमने किसी जगह पे ऐसी वैलिडेशन लगाई हुई हो कि सिर्फ ये वाला डेटा टाइप आए तो अगला एक्शन परफॉर्म हो, वरना ना हो। ये वाला फंक्शन स्ट्रिंग कर रहा है। यस, वरना ना चले। ठीक है, सही है। मैंने आपको स्ट्रिंग की क्या आइडेंटिफिकेशन बताई, जब भी डेटा सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन में हो तो वो डेटा टाइप होगा कौन सा, स्ट्रिंग का। ठीक है, अभी 1996 को खोलते हैं और इसको जो है ना सिंगल कोटेशन में कर देते हैं। सिंगल कोटेशन में किया और कंट्रोल वी, कंसोल डॉट लॉग। अच्छा ये जो टाइप ऑफ का फंक्शन है, मैं डायरेक्ट पूरा इसके अंदर भी लिख सकता हूँ। मैंने लिखा टाइप ऑफ और इसके अंदर नम। इसमें हाँ लिख इसमें लिख लिया। ठीक है, कंसोल पे तो चेक करना है बस। सेव किया, उसने मेरे को बोला कस्टम पब्लिक स्कूल स्ट्रिंग 1996 स्ट्रिंग, ये तो है नंबर, ये तो नंबर है सर। क्योंकि मैंने अभी बताया स्ट्रिंग की आइडेंटिफिकेशन क्या है, जब भी डेटा सिंगल या डबल कोटेशन में होगा। नंबर पे क्या है? हाँ
नंबर्स का भी हम देखते हैं। इतना क्लियर है स्ट्रिंग, सबको क्लियर है? एक और वेरिएबल बनाता हूं, वार नम डेटा इज इक्वल टू 8। अब मैंने ना सिंगल कोटेशन लगाई है और ना डबल कोटेशन लगाई, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग नम डेटा और कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ नम डेटा, ब्रैकेट भी लगाए, टाइप ऑफ नम डेटा। ऑल्ट शिफ्ट है, सेव किया, चलाएं। पहले मुझे समझाने तो फिर आपकी बात का जवाब दूंगा। सबसे सबसे पहले मैं आपको नंबर डेटा टाइप की एक बहुत आसान सी एग्जाम्पल, वो एक ट्रिक बता देता हूँ ताकि आप कभी भी कंफ्यूज ना हो। जब भी नंबर का डेटा आपको कंसोल पे, किस कोई भी सिस्टम होगा, लिनक्स हो या एप्पल हो, कोई भी, व्हाइट दिख रहा है ना तो वो डेटा टाइप स्ट्रिंग होगा, और जब ब्लू दिखेगा तो डेटा टाइप नंबर होगा। ये देखो ब्लू दिख रहा है ना अभी, बस दो में ही दिखेगा। आप लिनक्स यूज करो, आप एप्पल यूज करो, विंडो तो चल रहा है, आपको दो कलर में ही दिखेगा। नहीं नहीं आप कुछ और बोल रहे हो, उसका जवाब मैं भी देता हूँ। नॉर्मल विंडोज में ब्लू दिखेगा, वो समझ गया मैं, बोल रहा हूँ किसके लिए हम अपने वीडियो ब्लू वाले में डाले या व्हाइट वाले, ये आप पे डिपेंड है, ये आप पे डिपेंड है। हाँ मर्जी, ठीक है। तो तुम्हें हाँ एडवांटेज ये है, मैं जो स्ट्रिंग वाले डेटा टाइप है उसको बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर दिया, इसको भी बंद कर दिया, इसको भी बंद कर दिया। अब आया वार एड, एक वेरिएबल बनाया एड का, इज इक्वल टू स्ट्रिंग और इसमें लिखा टू प्लस स्ट्रिंग में लिखा 4। कंसोल डॉट लॉग एड, गलत लगाया है, कंसोल डॉट लॉग में लिखा एड, क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। 6 वाले बताएं कौन कौन है, 6 वाले, और बाकी सारे क्या बोल रहे हैं? जो 6 के बगैर वाले वो बताएं, शायद शायद। और बाकी सेव किया, वो 24 बता रहे हैं, क्योंकि आपका डेटा टाइप कैलकुलेटेड परफॉर्म नहीं है, उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है, नंबर नहीं है। कौन सा स्पेस? नहीं नहीं भाई, कोई स्पेस नहीं है, कोई स्पेस नहीं, ओपनिंग में प्लस डाला हुआ है। अब इसी को कॉपी करते हैं, नीचे लिखा और यहाँ पे मैंने लिखा कैलकुलेट, CL वेरिएबल नेम लिखा है, वेरिएबल नेम लिखा है, और अब मैं इसका स्ट्रिंग डेटा टाइप कन्वर्ट कर रहा हूँ नंबर में, मैंने हटा दिया और यहाँ से भी हटा दी, सेव किया। ऊपर 24 है, नीचे 6 है। जब कैलकुलेशन परफॉर्म करनी हो तो आप डेटा टाइप नंबर का दोगे नंबर, वरना फिर आप डेटा टाइप दोगे स्ट्रिंग। आपकी मर्जी है, वो सही है, लर्निंग पर्पस की हद तक आपकी मर्जी है, जब आगे काम करोगे तो आपकी मर्जी नहीं है। आप सिस्टम खोलो और ये सब अपने पास चला, ये करना है, ये सब कुछ करना है जितना आज किया है। भाई मेरा नहीं ख्याल, ये अभी आप कर लोगे, नहीं समझ आएगा। मैंने 3-4 चीजें पढ़ा ली हैं। क्या मतलब बार क्या है? वैसा भी करो यार, हो जाएगा।
बस 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 बताऊंगा